गुरुवार को हत्या के आरोपितों के घर प्रशासन ने घर तोड़ने की बड़ी कार्यवाही की। सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में दो दिन से 24 वर्षीय युवक रुपेश बिरला लापता था, जिसकी पूछताछ में आरोपी ने उसकी हत्या कर शव गाड़ने की बात स्वीकार की। इस पर प्रशासन ने बड़ी इमारत तोड़ ढहाने की कार्यवाही गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू की, जो कि अब भी जारी है। रुपेश मूल सलेदा खरगोन का निवासी है, पर पीथमपुर में रहता था। लापता होने पर परिजनों ने कुछ कांग्रेस नेता और मुख्य आरोपी आशिक पटेल पर अपहरण का आरोप लगाया था। इस मामले में बुधवार को भी हिंदू संगठनों और परिजनों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई करने की मांग की थी। बुधवार को पुलिस ने सख्ती से आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने रुपेश की हत्या कर सब घर के सामने गाड़ने की बात स्वीकार की। इसके आधार पर करीब 5 लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज है, जिसके बाद गुरुवार सुबह से ही धार ASP और SDM रोशनी पाटीदार के नेतृत्व में आरोपी पटेल के बड़े मकान को ध्वस्त किया। उस मकान में करीब 50 से ज्यादा किराएदार थे, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि हत्या प्रेम प्रसंग और रुपयों के लेन देन में की गई है। ये पूरा